26 नवंबर 1949 को अपनाए गए हमारे संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में इस संविधान में एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान एक नज़र भाग दो के इस वीडियो में हम संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनिश कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी दर्शन इंडिया का खास कार्यक्रम हमारा संविधान। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रथम अनुसूची से। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं को स्पष्ट किया गया है। प्रथम अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद हैं 1 एवं 4। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से अनुच्छेद 1 एवं 4 प्रथम अनुसूची से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 1 संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा करता है। अनुच्छेद 1 का प्रावधान 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। प्रावधान 2 कहता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल हैं। और प्रावधान 3 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में शामिल संघ राज्य क्षेत्र एवं ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। इस तरह अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्य, संघ राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 1 प्रथम अनुसूची से संबंधित है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार 1950 में संविधान द्वारा वर्गीकृत राज्यों के 4 वर्गों भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ को समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की स्वीकृति मिली। इसके बाद 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। वे 14 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल थे और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकाय, अमीन दीवी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल थे। इस प्रकार उपरोक्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही प्रथम अनुसूची में रखे गए थे। इसके बाद कई राज्यों में हुए अलग अलग पुनर्गठन और नामों में परिवर्तन द्वारा वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश संविधान के प्रथम अनुसूची में रखे गए हैं। 28 राज्यों में शामिल है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एवं नगर हवेली व दमन एवं दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसलिए अनुच्छेद 1 प्रथम अनुसूची से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे अनुच्छेद 4 प्रथम अनुसूची से संबंधित है। अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या गठन तथा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन के लिए संसद यदि संविधान की प्रथम अनुसूची में कोई बदलाव करती है तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 4 प्रथम अनुसूची से संबंधित है। चलिए अब जानते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची में भारत के निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन तथा विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये पदाधिकारी हैं भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दूसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 59, 75, 97, 125, 148, 158, 154, 166 एवं 221। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये अनुच्छेद दूसरी अनुसूची से संबंधित हैं।
अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कृत्यों का निर्वहन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अनुपपंद अर्थात निर्हरता से संबंधित है। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधों से संबंधित है अर्थात उनकी निर्हरता से संबंधित। अनुच्छेद 186 राज्य के विधानमंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित है। दूसरी अनुसूची के प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इस तरह ये अनुच्छेद दूसरी अनुसूची से संबंधित हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी अनुसूची को। तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीदवार हैं संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तीसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एवं 219। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये अनुच्छेद तीसरी अनुसूची से संबंधित हैं। अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध अर्थात उनकी निर्हरता से संबंधित है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। अनुच्छेद 99 संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय से संबंधित है। अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। अनुच्छेद 188 राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं चौथी अनुसूची को। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चौथी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 4 एवं 80। अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन विधियों के अंतर्गत संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के लिए सीटों के आवंटन में परिवर्तन के लिए संसद यदि संविधान की चौथी अनुसूची में कोई बदलाव करती है तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संहिता माना जाएगा। और अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। इस प्रकार अनुच्छेद 4 एवं 80 चौथी अनुसूची से संबंधित है। चलिए अब पांचवी अनुसूची को देखते हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। पांचवी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 244। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस प्रकार पांचवी अनुसूची और अनुच्छेद 244 एक दूसरे से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवीं अनुसूची को। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। छठी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 244 और 275। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है और अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ द्वारा अनुदान दिए जाने से संबंधित है। ये राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्य जिन्हें संघ समय समय पर अनुदान देता रहता है। चलिए अब देखते हैं सातवीं अनुसूची को। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय शामिल हैं। मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97, 66 तथा 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। सातवीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 246। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु से संबंधित है। इस प्रकार सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं आठवीं अनुसूची।
आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची को सम्मिलित किया गया है। मूल अधिकार में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इस सूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 14 मूल भाषाएं इस प्रकार हैं: कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, असमिया, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। आठवीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 344 एवं 351। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं निम्नलिखित हैं: कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, असमिया, गुजराती, मराठी, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम, तथा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा उड़िया के स्थान पर उड़िया कर दिया गया। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों से संबंधित है। इस प्रकार अनुच्छेद 344 और 351 आठवीं अनुसूची से संबंधित है। चलिए अब नवीं अनुसूची को देखते हैं। नवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। मूल रूप से इस अनुसूची में 13 प्रविष्टियां शामिल थीं, लेकिन बाद में कई संविधान संशोधनों द्वारा बहुत सारी प्रविष्टियां शामिल की गईं। इस प्रकार वर्तमान में नवी अनुसूची में कुल 282 प्रविष्टियां हैं। नवी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 31 ख। पहले इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद नवी अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करता है। इस प्रकार अनुच्छेद 31 ख नवी अनुसूची से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 102 एवं 191 है। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जिस पर चोग्याल वंश का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम भारत का रक्षित राज्य बनाया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व संभाला। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की। इसके बाद 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम के संरक्षण राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया और अब सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में एक नए अनुच्छेद 2 क को जोड़ा गया तथा भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों एवं नियमों के उल्लेख को दर्शाने के लिए संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। हालांकि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा अनुच्छेद 2 क और 10वीं अनुसूची को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इस अनुसूची को विस्तार से पुनः संविधान में जोड़ा गया। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध रखे गए। पुनः 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अनुच्छेद 102 संसद में सदस्यता के लिए निर्भरता से संबंधित है। अनुच्छेद 191 विधानमंडल में सदस्यता के लिए निर्भरता से संबंधित है। इस तरह अनुच्छेद 102 और 191 10वीं अनुसूची से संबंधित हैं। चलिए अब देखते हैं 11वीं अनुसूची को। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल हैं। 11वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 243 छ।
अनुच्छेद 243(6) पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। इस प्रकार अनुच्छेद 243(6) 11वीं अनुसूची से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं अंतिम और 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 243(ब)। अनुच्छेद 243(ब) नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। इस प्रकार अनुच्छेद 243(ब) 12वीं अनुसूची से संबंधित है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।